सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए महिंद्रा 265 ट्रैक्टर है, ये रखा है इसका बोनेट। इसका हम इंजन और हल कर रहे हैं। ये देखिए सामान है इसका, ये पुराना सामान है निकला हुआ और ये हमने वॉश करके रखा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए अभी पूरे इंजन की फिटिंग दिखाएंगे। हमने सबसे पहले दिखाते हैं, हम हेड में हमने तेजाब लगाया था तो हम इसे फिट करते पर दिखाते हैं तेजाब लगाने के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या चेंज करना चाहिए इसके अंदर। जो वाल हैं इसके, ये वाल हैं इसके, ये वाल नए लगवाए हैं हमने इसमें। ये सारी सीटें भी नई लगवाई हैं। ये हेड की सीट ये नई लगी है यहाँ पे, ये एक नंबर। जी दो नंबर, ये भी वाशर लगेगी। तो ये लग गई, 6 के 6 वाशर लगा दी यहाँ पे। अब हम इसकी यहाँ पे सील लगाएंगे। जी 13 का गुटका लेके ये ऐसे रख के बड़े प्यार से बैठती है सील। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 6 पे 6 लग गई, पहले वाशर फिर सील और फिर ये हेड के स्प्रिंग, वाल रिटेनर बोलते हैं इनको। ये फिर एक कैप, फिर एक कैप, फिर ये कैप, ये फिर ये कैप, ये कैप और फिर ये कैप, ये होगी यहाँ पे।
फिर ये यहाँ पे एक लॉक, फिर ये एक लॉक, फिर ये एक लॉक, फिर ये एक लॉक, ये यहाँ पे ये दो पुश रोड की सिलाई की सहायता से एक यहाँ पर रखें, एक यहाँ पर, और ये बड़े प्यार के साथ आराम से बैठती हैं। ये बैठी जो बैठी, ये छः के छः लग ये लॉक हो चुके हैं। एक दो तीन रेखे चार, ये चार टिक लिए हैं यहाँ पे। हम इन्हें हल्का हल्का सा 12 घंटे वाला एरिया लाइट लगाएंगे और साइड को छोड़ देंगे। और ये मेन चीज़ है, ये करनी चाहिए सबकी, वैसे आप अपनी बात है। और ये जो टिकली हैं टिकली लगती है, यह देखे ये एरो लाइट है, इसको ही हम यूज करते हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी हम इसी की मानते हैं एरो लाइट की। और ये टिकली लगाएंगे हम, ये नई टिकली है, एरो लाइट बनाएंगे। दोनों को बराबर निकाल लें, बराबर निकाल के और अच्छे तरीके से मिलाएं।
दिखा। ये देखिए इसको लगाएंगे अब। बैठ गई है। अब हम इसके ऊपर से भी चारों तरफ हल्का हल्का सा एरालाइट ऐसे लगाएंगे जिससे लीकेज का कोई चांस ही ना रहे। और इसका रिजल्ट है 12 घंटे का। ये लगाने के बाद 12 घंटे तक सुखाने चाहिए। वह सर्दी पड़ रही है, सर्दियों में हमेशा हेड तो कली फिट होगा। पूरे इंजन की वीडियो दिखाएंगे हम बनाते हुए कि आपको। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए ये हमने टाइमिंग प्लेट अगली लगा ली है, इसके बाद हमने कैम फिट करी। अब हम इसकी क्रैंक लगाएंगे, दिखा रहे हैं आपको कैसे लगेगी क्रैंक। ये रहा, और इस पर भी ये करंट पर देखिए, ये सिंगल होल, ये सिंगल मार्क, ये सिंगल मार्क मैच करना होता है। ये देखिए ये मार्क टू मार्क हो गया है। ये केम का है, ये क्रैंक का है, और ये क्रैंक फिट हो गया है यहाँ पे। ये अब हम इसकी कैप लगाएंगे। नंबर वाइज रखी सारी, ये इसकी MB कैप है, मैन बैरिंग कैप। जो हल्का सा ऑयल एप्लीकेशन करने के बाद
ये देखिए, ये इसमें मक्खी है यहाँ पे ब्रास में ये, और इसकी मक्खी और नहीं भी, इस पर ये नंबरिंग होती है। ये रहा एक कैप पे, और ये इधर ब्लॉक पे 2, 3 और 4। ये 2 मैं ऑयल लगाते हुए, ये हल्के हल्के सी दूध चूड़ी चढ़ा लेनी है। इनको भी हम प्री टाइट करेंगे हाथ से। आराम से ना हो आयो जरूर रटूंगा भीम सर आते हूँ। ये करें ये देखिए, ये नए मॉडल की सील है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। ये इसमें ये कॉलर होता है अलग से, इससे लीकेज की कोई संभावना नहीं रहती। हिट कर ली इसमें सी लिए,
बहुत आसानी के साथ ये ऐसे बैठ चुकी है। ये देखिए पैकिंग थोड़ा ओवर है, इसको हम वैसे काट देंगे। वैसे अभी फेस टू फेस हो गया है, दे यहाँ से देखे मैन सील तैयार होगी और लाइनर पिस्टन फिटिंग करेंगे। बने रहे दिखाएंगे आपको।